स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू बैलेंस्ड डाइट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संतुलित आहार। व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? द फूड वी ईट डेली फ्रॉम आवर डाइट। डाइट इसे कहेंगे जो हम अपने लाइफ में जो है डेली खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, वो सब हमारा क्या कहलाता है? डाइट कहलाता है। लेकिन जो डाइट होगा आपका, जो जो भी फूड आप खाएंगे, वह राइट वे में होना चाहिए। मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा न ज़्यादा होनी चाहिए न कम होना चाहिए। ज़्यादा होगा तब भी नुकसानदेह है और कम होगा तब भी नुकसानदेह है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। ए डाइट दैट कंटेन ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट होता है वह जो है उचित मात्रा में क्या रखता है? वाटर भी और रफेज, जो आपको हमने पढ़ा दिया है। तो जो डाइट है यह अलग अलग पर्सन पर अलग अलग तरह से डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि बैलेंस डाइट में क्या क्या शामिल है। देखिए, ये देख रहे हैं सब जितने भी आपको चीज़ें दिख रही हैं, जिसका भी नाम आपको पता है, ये सब चीज़ें आपकी क्या हैं? बैलेंस डाइट में इंक्लूड हैं, शामिल हैं, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक, ये देखिए, ये सब जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, ये सब चीज़ें आपकी बैलेंस डाइट के अंतर्गत आती हैं। इनमें सब कुछ आपको खाना चाहिए। अब देखिए, इसमें देखिए जो नीचे है, सबसे जो बैलेंस डाइट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आपको, देखिए ग्रेन्स, अनाज देख रहे होंगे, जितने भी ग्रेन्स से बनी हुई चीज़ें हैं, सब कुछ क्या है? आपकी बैलेंस डाइट में रहनी चाहिए। देख रहे हैं, ये सब आपकी ग्रेन्स में आएंगी। आपको ग्रेन्स ज़रूर लेना है अपने डेली रूटीन में। इसके बाद आपको देखिए वेजिटेबल्स भी लेना है राइट प्रोपोर्शन में, राइट क्वांटिटीज में। इसके बाद देखिए ये फ्रूट्स भी आपको लेना है डेली। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बच्चों के लिए है वो है मिल्क एंड अल्टरनेटिव। मिल्क और अल्टरनेटिव में क्या होता है? देखिए, जो आप दूध पियेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन दूध से जो बने हुए प्रोडक्ट हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, जैसे दही हो गया, लस्सी हो गया, और बटर हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज़ें भी आपके बैलेंस डाइट में शामिल होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है मांसाहारी भोजन में मीट हो गया, फिश हो गई, एग हो गए, और जितने भी चीज़ें उससे मिल के बनी हैं, वो सब चीज़ें आपकी बैलेंस डाइट में होनी चाहिए। फिर लास्ट में आपका है फैट होने के लिए, जो फैट है उसके लिए आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी या फैट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और साल्ट आपका भी, आप साल्ट तो डालते ही हैं फूड में, और शुगर भी और चीनी भी ज़रूरी है। यह है आपका बैलेंस डाइट। ये एक बैलेंस मतलब कहने का है, न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, लेकिन सब कुछ आपको खाना है, इसीलिए इसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ये देखिए आप, ये अलग डायग्राम है, इसमें देखिए ग्रेन है, राइस है, पास्ता है, ब्रेड है, सीरियल्स हैं, ये सब हमको क्या खाना चाहिए? ज़्यादा खाना चाहिए। और देखिए वेजिटेबल और फ्रूट्स है, इसको भी हमें अत्यधिक मात्रा में खाना चाहिए। इसके बाद देखिए मीट, पोल्ट्री, फिश, मिल्क, एग, बीन्स, ये हमें क्या करना चाहिए? मीडियम में रूप में खाना चाहिए, मॉडरेटली। क्या खाना चाहिए? मीट, पोल्ट्री, फिश, मिल्क, एग, बीन्स, ये सब चीज़ें थोड़ा कम मात्रा में खाना चाहिए, मीडियम में। और जो ऑयल है, शुगर है, सॉल्ट है, ये हमको बहुत ही कम मात्रा में लेना है। ऐसा नहीं कि ऑयल ज़्यादा खाएं, ऑयल खाएंगे तो आपको बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा। तो आपने देखा कि बैलेंस डाइट में सब क्या क्या सम्मिलित है। तो बैलेंस डाइट जो होता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वह जो
फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए? देखिए, अलग अलग एज के लोगों के लिए अलग अलग तरह के भोजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो जो लेबर होते हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए? ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा मात्रा में एनर्जी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, हमने आपको पढ़ा दिया है। और अलग गर्ल्स हैं तो उनको अलग टाइप का भोजन चाहिए, बॉयज़ हैं तो थोड़ा अलग टाइप का भोजन चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको डिपेंड करती हैं आपके शरीर पर। अब जिसके मात्रा शरीर में कम होगी तो उसको डिजीज हो जाएगा, और अगर अच्छे है तो वो क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो जैसे जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनमें ग्रोथ हो रहा है, तो उनको भी, और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लेडीज हैं, और कोई मदर है जो दूध पिला रही है, तो उन लोगों को प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और प्रोटीन आपको मिल जाएगा कहाँ से? मीट, फिश, एग, और इधर आइए अनाज में भी कुछ चीज़ें, सोयाबीन जो होती है, तो इन सब चीज़ों से आपको क्या हो सकता है? प्रोटीन मिल जाएगा, और मिल्क भी, मिल्क अल्टरनेटिव से भी। तो आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी कब पड़ेंगी? जब एक बच्चा बड़ा हो रहा है, एक लेडीज प्रेग्नेंट है, और एक माँ दूध पिलाने वाली हो जिसके बच्चा हो, उसको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पिलाना चाहिए। और लेबर है तो उसे हमें क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए। और कई लोग जब बीमार हैं, अनवेल हैं, तो उनको एडवाइस दी जाती है कि ज़्यादा फैटी फूड मत खाइए, ज़्यादा फैट मत खाइए, क्योंकि अगर आप फैट खाएंगे तो उसको पचाने में बहुत ही मुश्किल आएगी। अगली टॉपिक है आपकी, जो ये चीज़ें आपको समझ में आई हो कमेंट पूछ सकते हैं। जो अगली टॉपिक है उसको जाने से पहले आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बैलेंस डाइट उसे कहेंगे जो हम राइट मात्रा में, मतलब न ज़्यादा न कम, जो डेली फॉर्म फूड खाते हैं वो क्या कहता है, करेक्ट अमाउंट में हम जो खाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। अब हम आपको अगली हेडिंग पढ़ाने जा रहे हैं, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम कुकिंग करते हैं तो कैसे हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व तो है, यह गायब हो जाता है। तो हम खूब ज़्यादा खा रहे हैं, मान लीजिए इसमें से सब कुछ हम खा रहे हैं डेली, लेकिन हम बीमार हो जा रहे हैं। तो हम बीमार इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि हम उसको पकाने में, उसको खाने का तरीका हमारा क्या है, गलत है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम कुकिंग कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, क्या करके, पानी भर के। अगर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल करके हम पकाएंगे, और उसको जब हम कुकिंग क्या करेंगे, जो उसमें पकाएंगे, तो जो विटामिन्स घुलने वाली हैं जैसे B और C, तो वह क्या हो जाएगी, पानी के साथ उड़ जाएगी या तो बह जाएगी, जिससे विटामिन्स और मिनरल्स का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नंबर दूसरा पॉइंट है कि आप हाई टेम्परेचर पे उसको क्या करिए, पकाइए। तो देखिए हाई टेम्परेचर पे ये पका रहा है, तो हाई टेम्परेचर पे जब पकाएंगे तो उसकी जो प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, ये क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, आप खाना तो बहुत टेस्टी खाएंगे लेकिन आपको प्रोटीन और विटामिन्स नहीं मिलेंगी। अगला है, जो इसकी जो थिक पिल्स होती हैं, जो थिक पिल्स होती हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, छिलके को हम वेजिटेबल और फ्रूट से हटा देते हैं। देखिए क्या करते हैं, ये हमको क्या करना चाहिए, वेजिटेबल और फ्रूट्स को धुल के अच्छे से तब खाना चाहिए, उसका छिलका नहीं हटाना चाहिए। और देखिए हमें क्या करना है, जो मिक्सर होता है मिक्स करने के लिए, हमें आराम से उसको मिक्स करना है। ये देखिए ऐसा होता है मिक्सर, जेंटली मिक्स करने के लिए। और रोटी बनाने के लिए जो है ये जो बेलन दिख रहा है, और देखिए जो बेक्ड स्लोली हमको करना है, धीरे धीरे हमको बेकिंग करना है, इसके लिए ऐसा होता है, और हमें धीरे धीरे उसमें डालना चाहिए। इसमें जब आप वेजिटेबल का जो पील्स हटा देंगे तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो गायब हो जाएगा, और आपको खाने में बहुत, कोई कहने का मतलब है कि
कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जितने भी छिलके हटा के खाते हैं, जो भी चीज़ें आप खाएंगे तो उसमें से जितने भी विटामिन होते हैं वो सब निकल जाएंगे। लेकिन आपको टेस्ट तो मिल गया, आप खा लिए, लेकिन आप खाएँ हैं सिर्फ, इसमें विटामिन्स मिनरल सब कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, बहुत लोग सब्जी को, फल को क्या करेंगे, काट करके धुलते हैं। तो काट करके जब धुलेंगे तो जितने भी उसमें वाटर की जो घुलनशील विटामिन होंगी, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होंगी, मिनरल्स होंगे, वह सब पानी के साथ बह जाएंगे और आप सिर्फ क्या खाएंगे, उसका फ्रूट्स खाएंगे और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको पहले बढ़िया से धो लेना चाहिए, फिर खाना चाहिए। आपको डेली हमें क्या करना है, दाल चावल को भी डेली जो भोजन में होता शामिल, इसको भी ज़्यादा धुलना नहीं चाहिए, क्योंकि दाल और चावल में जो विटामिन्स होती हैं वो पानी के साथ घुल करके बह जाती हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे चावल में आटे की जैसी जो पाउडर की तरह पाया जाता है, जो भी चीज़ें वो होती हैं वो क्या होती हैं, विटामिन से भरपूर होती हैं। उसको उतना ही धुलिए जितना गंदगी निकल जाए, ऐसा ना हो कि चावल के ऊपर से विटामिन ही निकल जाए। दाल भी उतना ज़्यादा नहीं धुलना चाहिए, ठीक। तो आपके जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, उनको हमें आदत पकड़ानी चाहिए कि आप मार्केट में जाइए तो आप फल खाइए, सब्जी खा लेके आइए, फ्रूट्स की आपको आदत बनानी है। जैसे देखिए बच्चे हैं, शॉपिंग करने गए हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसा चिप्स नहीं खाया, ना बर्गर देखे लिया है, इन्होंने सिर्फ क्या चूज किया है, फ्रूट्स चूज किया है। ये ऑर्गेनिक जो होते हैं चीज़ें खाते हैं, जो नेचुरल रूप में पाए जा रहे हैं। तो बच्चों को बैलेंस डाइट करने के लिए आदत अपनानी चाहिए, जिससे कि ये क्या करें, स्वस्थ रहें और इसको रिपीट करें, इसको डेली अपने रूटीन में शामिल कर लें। देखिए जैसे अब ये वेजिटेबल, आपको हरी सब्जियों का भी बैलेंस डाइट में यूज करना है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को आदत बनानी पड़ेगी, जिससे वो बड़े हों तो ज़्यादा फास्ट फूड के चक्कर में न पड़े। इसलिए बैलेंस डाइट हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए जो अब ये सब चीज़ें जो आपको हमने पढ़ा दिया, इन सब में आपका जो बैलेंस डाइट था यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आपको कोई भी चीज़ें अगर समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। दो बैलेंस डाइट आपने पढ़ा और कैसे उसमें से न्यूट्रिएंट्स गायब हो जाते हैं आपने पढ़ लिया है। अब अगला हम जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से जो भी रोग होने वाले हैं उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे।